हार्दिक पांड्या ने जीता। टॉस शुरू हुआ तीसरा टी20 मुकाबला, टीम इंडिया में करेंगे यशस्वी जायसवाल वापसी। वेस्ट इंडीज की टीम उतरेगी इन दमदार खिलाड़ियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच तीसरा टी20 मुकाबला एक बार फिर प्रोविडेंस स्टेडियम गवाना में खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, जहां पर टीम इंडिया अब तक अपने दो मुकाबले गवाने के बाद अब तीनों ही मुकाबलों में दमदार फॉर्म में मैदान पर उतरेगी और कमाल की रणनीति के साथ ये टीमें शानदार परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ ये टीमें मैदान पर उतरी है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में क्या रणनीति टीम इंडिया की रहेगी और कौन कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम में वापसी करेंगे, किन बदलावों के साथ ये टीमें मैदान पर उतर रही है। इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे और 2-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया अब इस सीरीज को 3-2 से अपने नाम पर करे तो दोस्तों, फिलहाल विंडीज की टीम जहां पर 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है, तो वहीं पर भारत को यह सीरीज बचाने के लिए अब बचे हुए सभी मुकाबले जीतने होंगे। अगर भारत यहाँ पर एक भी मुकाबला हारता है तो फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 या फिर इससे ज़्यादा मैच की सीरीज पहली बार टीम इंडिया को हारनी पड़ेगी। तो ऐसे में यहां पर भारतीय टीम दमदार रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी। जहां पर हम बात करें टीम इंडिया की पिछली कमजोरियों के बारे में, तो टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज जहां पर शानदार फॉर्म में मैदान पर उतरे थे, लेकिन इनकी जोड़ी अब तक कमाल की देखने को नहीं मिली। जहाँ पर सूर्य कुमार यादव अब तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, हालांकि ईशान किशन अब तक ठीक ठाक फॉर्म में मैदान पर थे, तो वहीं पर दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव भी अभी तक मिडल ऑर्डर में कमाल नहीं कर पाए, तो संजू सैमसंग भी अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। ऐसे में यहां पर कुलदीप यादव भी चोटिल हो चुके हैं, तो उनकी जगह पर रवि बिश्नोई को टीम में मौका मिला है। चहल जो कि अब तक 2 मैचों में 4 विकेट लेकर शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो ऐसे में यहां पर इस मुकाबले में टीम इंडिया नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरते हुए कमाल का परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। तो वहीं पर दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ की टीम की हम बात करें, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम के टॉप प्लेयर्स में निकोलस पुरन, रोमैन पावेल और रोमेरियो सेपर्ड ने अब तक दमदार पारियाँ खेली हैं, तो वहीं पर गेंदबाजी में इस टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो ऐसे में इस मुकाबले के लिए हम बात करें सबसे पहले दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे ब्रेंडन किंग के साथ काइली मेयर्स। तो वहीं पर नंबर 3 पर टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स उतरेंगे, नंबर 4 पर निकोलस पुरन, नंबर 5 पर सिमरन हेटमायर, नंबर 6 पर टीम के कप्तान रोमैन पावेल उतरेंगे, नंबर 7 पर जेसन होल्डर, नंबर 8 पर रोमेरियो सेपर्ड, नंबर 9 पर अखिल हुसैन, नंबर 10 पर अल्जेरी जोसेफ और नंबर 11 पर ओबेड में कोई इस टीम की तरफ से उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ टीम इंडिया की हम बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन की जगह पर यशस्वी जायसवाल को भी मौका मिल सकता है। तो ऐसे में यहां पर टीम इंडिया की तरफ से अगर यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम का हिस्सा रहते हैं, तो यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी में सुमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल उतरेंगे, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर तिलक वर्मा, नंबर 5 पर टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या उतरेंगे, नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसंग, तो नंबर 7 पर खेलते हुए दिखेंगे अक्षर पटेल, नंबर 8 पर अगर कुलदीप यादव ठीक हो जाते तो वो हमें खेलते हुए दिखेंगे, बाकी इनकी जगह पर एक बार फिर रवि बिश्नोई को मौका मिलेगा, नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और नंबर 11 पर मुकेश कुमार यहां पर टीम इंडिया का हिस्सा होने जा रहे हैं। यानी कि यहां पर देखें तो दोनों ही टीमें दमदार फॉर्म में है, जो इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करेगी। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें मुकाबले के शुरू होने के समय के बारे में, तो यह मुकाबला शुरू होगा आज रात को 8 बजे, जो कि प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना में ही खेला जाना है, और इस मुकाबले में दोनों ही टीमें दमदार फॉर्म में मैदान पर उतरते हुए कमाल का परफॉर्मेंस करेगी। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकेगी? क्या टीम इंडिया इस सीरीज को अपने नाम पर कर पाएगी वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराकर? आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।